50 सिम और 3 किरदार, खुलेगा सुशांत की मौत का राज, सुशांत की मौत में नया एंगल, सिम साजिश सवाल का ट्रायंगल। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक राज है। पुलिस उस राज से पर्दा उठाने में लगी है और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की सुसाइड कहानी में नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। तफ्तीश में जुटी पुलिस के सामने जो सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है वो है सुशांत का 50 सिम कार्ड। पुलिस को पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मौत के कुछ महीनों पहले ही 50 सिम बदले थे। ये वाकई चौंकाने वाली बात है और ये खुलासा कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या सुशांत का कोई पीछा कर रहा था, सवाल ये क्या सुशांत को किसी से जान का खतरा सता रहा था, आखिर किससे बचने के लिए सुशांत बार बार अपना सिम बदल रहे थे। सिम की कहानियां आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, पुलिस ने सुशांत सुसाइड केस में 3 नए किरदारों को शामिल किया है जिनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। संजय लीला बंसाली, आदित्य चोपड़ा, संदीप सिंह। इस केस में सबसे बड़ा नाम मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली का है जिनसे पुलिस पूछताछ करने वाली है। इसके लिए उन्हें सम्मन भी जारी किया गया है। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि फिल्म रामलीला में पहले सुशांत सिंह को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन बाद में रणवीर सिंह को फिल्म में लीड एक्टर बनाया गया। पुलिस इस बदलाव की वजह समेत और भी कई सवालों का जवाब जानने के लिए बंसाली से पूछताछ करेगी। आदित्य चोपड़ा से भी होगा सवाल जवाब। वहीं इस केस में पुलिस आदित्य चोपड़ा से भी सवाल जवाब करेगी। पुलिस उनसे ये जानने की कोशिश करेगी कि रामलीला और बाजीराव मस्तानी जो सुशांत को मिलने वाली थी वो क्यों नहीं मिली। बताया जा रहा है कि यशराज के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये फिल्में सुशांत नहीं कर सके और इसी वजह से सुशांत और यशराज के बीच रिश्ते खराब हो गए और भी कई वजह सामने आ रही है। दूसरी ओर पुलिस सुशांत के नजदीक फ्रेंड और प्रोड्यूसर संदीप सिंह की भूमिका की गहराई से पड़ताल करने में जुटी है। संदीप सिंह पर सुशांत की मौत पर राजनीति करने और उसकी मार्केटिंग के लिए आरोप लगे हैं। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि सुशांत केस में संदीप सिंह कोई खेल तो नहीं खेल रहा। चलिए अब कुछ महीने पहले 50 सिम वाले खुलासे का रुख करते हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता शेखर सुमन ने सनसनीखेज दावा किया है कि सुशांत ने मरने से पहले 50 सिम कार्ड बदले थे। शेखर ने सवाल उठाया, ऐसी कौन सी वजह होगी जो सुशांत ने कुछ महीनों पहले 50 सिम कार्ड बदल डाले। एक्टर तभी सिम कार्ड बदलता है जब उसे किसी से डर होता है या खतरा लग रहा होता है या फिर उसे कोई धमकी दे रहा होता है। सुशांत केस में बीते कुछ दिनों में तकरीबन 30 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसी तरह और भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस ढूंढने में लगी है, क्योंकि उन्हीं जवाबों में छुपा है सुशांत की मौत का राज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।